बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीएस मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। आज डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर नाइन। और इस लेक्चर में आज हम एलपी स्पेस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ एलपी स्पेस और एलपी स्पेस को हम मैट्रिक स्पेस कैसे साबित करते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं इसको। व्हाट इज एलपी स्पेस? एलपी स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। पहली बात तो ये है कि एलपी स्पेस में सारे के सारे सीक्वेंसेस होंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स आई सीक्वेंस, वाई इज इक्वल टू वाई, इस टाइप के सीक्वेंस होंगे। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये मुश्तमिल किस पे होंगे, या तो रियल नंबर पे होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सच दैट समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एक्स आई पावर पी लेस देन इन इनफाइनाइट। मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस होंगे, किसी खास नंबर से ये ऑलवेज लेस रहेंगे, तो इसको हम एलपी स्पेस बोलेंगे। तो एलपी स्पेस में हम इनकी मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं, इनको मैट्रिक को हम सीखते हैं। एलपी स्पेस, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल टू वाई आई, ये सीक्वेंस फॉर्म में लिखा है, बिलोंग टू एलपी। एलपी स्पेस डिफाइंड बाय, इनकी हमने मैट्रिक किस तरह से डिफाइन की है, एलपी क्रॉस एलपी टू आर, यानी कि इनकी जो डोमेन है वो सीक्वेंस की है और इनकी जो रेंज है वो रियल नंबर से आएगी। बाय इनका मैट्रिक हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एक्स आई माइनस वाई आई मॉडुलस वैल्यू पी और होल पावर वन बाय पी। तो हमने चेक करना है, चेक दैट डी इज मैट्रिक स्पेस ऑन एल पी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले भी मैट्रिक की चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाई, मैट्रिक को पहले हमने ग्रेटर और इक्वल जीरो, फिर इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और लास्ट पे ट्राई एंगुलर इनक्वालिटी हमने प्रूव करवाई, सेम उन्हीं लाइनों पे चलते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एम वन डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल जीरो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हम इसको ग्रेटर आर इक्वल जीरो के बराबर कह देंगे। ये मैंने डायरेक्टली क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेयर यहाँ पे मैंने इसकी रीज़न लिख भी दी है कि मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होती है और उसकी पावर पॉजिटिव की जितनी भी मर्जी लेते रहें और समेशन लेते रहें तो ऑलवेज वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब डी एक्स वाई जो है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल जीरो आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर टू हमारे पास क्या है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, दो पॉइंट का डिस्टेंस उसी वक्त जीरो होता है अगर वो दोनों पॉइंट सेम आ जाएं। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने इसको जीरो के बराबर रखा, इफ एंड ओनली इफ ये वाली चीज जीरो के बराबर होगी, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई पावर पी जीरो के बराबर, फिर एक्स माइनस एक्स आई माइनस y i ये जीरो के बराबर, इसको उधर ले जाएंगे x i इज इक्वल टू y i, अगर ये सारे x i y i इक्वल हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या होती है, एम थ्री डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स। तो मैं यहां पे लेता हूं डी एक्स कोमा वाई, दिस विल बी इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एक्स आई माइनस वाई आई सारे की पावर
1 by b. I is equal to 1 to infinite, यहां से मैं माइनस कॉमन लेके वाई आई माइनस एक्स आई मॉडुलस वैल्यू पावर पी होल पावर 1 बाई पी. आपको पता है इस मॉड की वजह से ये वाली नेगेटिव तो खत्म हो जाएगी. हमारे पास नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वाई आई माइनस एक्स आई पावर पी 1 बाई पी. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया डी वाई कोमा एक्स. तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी. अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी वो क्या होती है, मैं यहाँ पे पहले उसको डिनोट करता हूँ. डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी. इसको प्रूफ करते हैं. डी एक्स कोमा जी दिस विल बी इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन फाइनाइट एक्स आई माइनस जी आई पावर पी 1 बाई पी. तो यहाँ पे मैं दो नंबर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई पी होल पावर 1 बाई पी. तो ये लेस आर इक्वल हो जाएगा अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे. एक्स आई माइनस वाई आई पी 1 बाई पी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वाई आई माइनस जी आई पावर पी 1 बाई पी. यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला, यहां से हमने रिजल्ट निकाला डी एक्स कोमा जी दिस विल बी लेस आर इक्वल. ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी. तो हेंस आप लिख देंगे लास्ट पे, हेंस डी इज मैट्रिक ऑन एलपी. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास लेट के डी के कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन डी डैश एक्स क्रॉस एक्स टू आर बाय. किस तरह से डिफाइन हमने किया है, डी एक्स कॉमा वाई दिस विल बी इक्वल टू के डी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई. और यहाँ पे हम
लेट किया हुआ है कि k जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो शो दैट d डैश इज मेट्रिक ऑन x। d डैश को हमने x पे मेट्रिक शो करना है। तो सॉल्यूशन इसका वही चार प्रॉपर्टीज की है स्टूडेंट्स, वही चार प्रॉपर्टीज डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और लास्ट पे ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई इसमें करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एम वन डी डैश एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल जीरो, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रीजन यहां पे लिख देता हूं के डी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल जीरो, और रीजन इसकी ये है के जो है ग्रेटर आर इक्वल जीरो ये गिवन है। के पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, डी मेट्रिक भी है, तो इसका मतलब ये डी डैश जो है हमारे पास ग्रेटर और इक्वल जीरो हो जाएगा। इसका आंसर पॉजिटिव, इसका आंसर प्लस में पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अगर ये वाली चीज जीरो के ग्रेटर देन जीरो आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब डी डैश भी ग्रेटर और इक्वल जीरो आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने तो अच्छा सिर्फ के पॉजिटिव होने की बात नहीं है, यहाँ पे उसने खुद डिफाइन किया हुआ है कि लेट के डी बी अ मैट्रिक स्पेस, ये डी जो है वो क्या है मैट्रिक स्पेस है डी जो है सिंस यहाँ पे मैं और इसकी दूसरी रीजन भी लिख देता हूँ, सिंस डी इज मेट्रिक, डी जो है वो मेट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल जीरो आ गया। एंड प्रॉपर्टी नंबर टू एम टू डी डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने करना है इसको प्रूफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के डी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कॉमा वाई दिस विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास के डी एक्स कॉमा वाई ये जीरो के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यहाँ पे रीजन इसकी है सिंस डी इज मेट्रिक, अगर डी मेट्रिक है तो डी एक्स वाई जीरो के बराबर होगा, और ये उसी वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री एम थ्री डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी डैश वाई कोमा एक्स, डी डैश एक्स कोमा वाई के डी एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय वन प्लस के डी एक्स कॉमा वाई, तो मैं यहां पे लिखूंगा के डी वाई कॉमा एक्स
वन प्लस के डी वाई कोमा एक्स, यहाँ पे रीजन इसकी सिंस डी इज मीट्रिक। अगर डी मीट्रिक है तो डी, ये डी मीट्रिक है तो हम डी एक्स वाई को डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है कि डी जो है ये मीट्रिक दी हुई है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डी डैश वाई कोमा एक्स, डी डैश एक्स कोमा वाई। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब प्रॉपर्टी नंबर इसकी 4 रह गई, दैट विल बी ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, और एम फोर डी डैश एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल डी डैश एक्स कोमा वाई प्लस डी डैश वाई कोमा जी। ये हमने प्रूफ करना है, और मैं यहां पे लिखता हूं सिंस डी इज मैट्रिक सो बाय ट्राई एंगुलर इन ट्राई एंगुलर इन इक्वालिटी, वो क्या है, मैं यहाँ पे वो ट्राई एंगुलर इक्वालिटी लिखने लगा हूँ, एक्स कोमा जी लेसर इक्वल डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी। चूंकि डी मीट्रिक है, अगर डी मीट्रिक है तो हम ट्राई एंगुलर इनक्वालिटी इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस सारी इन इक्वालिटी को मैं के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, के डी एक्स कोमा जी प्लस लेस आर इक्वल के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। अब मैं क्या करता हूं, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन ऐड कर देता हूं, वन प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल वन प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। जी स्टूडेंट्स, तो मैं इसी पूरी इन इक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कोमा जी, इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा वन प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। अगर इस इन इक्वालिटी को मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोबारा से इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। अब अगेन एडिंग वन ऑन बोथ साइड, मैं वन को ऐड करता हूं, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल, ये मैंने वन इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी मैंने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ये वाली साइड बन गई वन प्लस के डी
एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। अब मैं इनका भी एलसीएम ले लेता हूँ, इनका भी एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास मैं दोबारा से एंड पे रिपीट करूंगा इसको। नीचे हमारे पास रकम आ गई 1 प्लस के डी एक्स कोमा जी 1 प्लस के डी एक्स कोमा जी माइनस 1 लेस आर इक्वल 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। तो यहां पर माइनस वन। अब ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, ये माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया के डी एक्स कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो नीचे रकम डिनोमिनेटर में आ रही है इसको इसके नीचे अलहदा से, इसको इसके नीचे अलहदा से मैं डिवाइड करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास ऐसा चाह गया के डी एक्स कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल के डी एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी प्लस के डी वाई कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी। अब जो मेरे पास यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने गौर करना है, ये वाली जो साइड है इस साइड से हमेशा लेस है। अब इस रकम को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है नीचे, अगर मैं ये नंबर हटा दूं, ये वाला नंबर हटा दूं, तो ये वाला आंसर मेरा बड़ा हो जाएगा। कैसे? 1 को 2 प्लस 3 डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर मेरा आएगा 2 प्लस 3 5 और 0.2 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये 3 को स्किप कर देता हूं तो अब मेरा आंसर 0.5 आएगा, मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस रकम को, अच्छा मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा इसका मतलब ये वाली साइड अगर मैं नीचे से कुछ रकमें यहां से स्किप कर देता हूं तो मेरा ये आंसर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रहेगा। तो मैं यहां पे ये वाली रकम और ये वाली रकम स्किप करने लगा हूं, हमारी इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के डी एक्स कोमा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी एक्स कोमा जी लेस आर इक्वल के डी एक्स कोमा वाई
वन प्लस के डी एक्स कोमा वाई प्लस के डी वाई कोमा जी डिवाइडेड बाय वन प्लस के डी वाई कोमा जी। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये तो हमारे पास डी डैश एक्स कोमा जी बन चुका है और ये हमारे पास डी डैश एक्स कोमा वाई प्लस डी डैश वाई कोमा जी बन चुका। तो आप यहाँ पे हैंस कह देंगे, हैंस डी डैश इज मीट्रिक ऑन, किस पे हमने इसको मीट्रिक बनाया है, मीट्रिक ऑन एक्स, डी डैश इज मीट्रिक ऑन एक्स। तो मैं यहां से दोबारा से रिपीट किए देता हूं, हमने चूंकि डी हमारे पास मीट्रिक था, अगर डी मीट्रिक है इट मीन वो ट्राई एंगुलर इन इक्वालिटी उसमें होल्ड होगी। मैंने वो ट्राई एंगुलर इन इक्वालिटी लिखी, फिर मैंने इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड पे वन को ऐड किया, फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, जब रेसिप्रोकल लिया तो मेरी इन इक्वालिटी चेंज हो गई। अपनी इन इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए मैंने माइनस वन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से फिर मैंने वन ऐड कर दिया दोनों साइड पे, तो मेरे पास ये आ गया। इसका मैंने एलसीएम लिया, इस साइड का एलसीएम लिया, कैंसिल होके मेरे पास ये वाली चीज बच गई। आई रिपीट अगेन कि मैंने इसको इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड किया है। अब मैंने यहाँ से कुछ टर्म्स जो कुछ रकमें कैंसिल आउट की हैं, बल्कि ख़त्म की हैं, स्किप कर दी हैं, ये वाली सिर्फ राइट साइड से हमारी इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया वो डी डैश एक्स जी लेस आर इक्वल ये वाली चीज़ें आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ डी डैश इज मेट्रिक ऑन एक्स। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।